हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू फाइन। वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पोगो क्लास। टुडे आई टीच यू ईवीएस सब्जेक्ट ऑफ क्लास 3, चैप्टर नंबर आपका 11, वाटर। वाटर मीन्स पानी। वाटर इज अ एसेंशियल पार्ट ऑफ अवर लाइफ। टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट देयर क्वेश्चन आंसर। सो लेट्स सी, ऑल ऑफ यू टेक अ notebook and note down in your notebook. So firstly see the oral question. Let's see, to be taken up orally. First, apart from human beings, who all use water? Human beings मतलब मानव जाति जो है, क्या सभी मानव, who all use water, सभी मानव जो है पानी का यूज करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा यस, सभी क्या करते हैं, पानी का यूज करते हैं। सेकेंड, इफ वी डोंट गेट वाटर व्हाट विल हैपेंस? यदि आपको वाटर मतलब पानी नहीं मिला तो क्या होगा? आंसर इज वी विल डाई, हम मर सकते हैं बिना पानी के, है ना, नहीं मिलेगा तो हम पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते। देखिए थ्री है, व्हाट आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ वाटर इन द किचन? किचन में पानी का यूज किस किस प्रकार से होता है उसको आपको बताने तो बहुत इजी है, क्योंकि सबके घर में किचन में यूज होता है पानी, है ना। द डिफरेंट यूजेस ऑफ वाटर इन द किचन आर कुकिंग, वॉशिंग वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, क्लीनिंग यूटेंसिल्स एंड ड्रिंकिंग। खाना बनाने के लिए होता है, और सब्जी फल को धोने के लिए, क्लीनिंग यूटेंसिल्स मतलब बर्तन धोने के लिए एंड पीने के लिए होते हैं। अब देखते हैं रिटर्न टास्क में है आपका, राइट टू यूजेस ऑफ वाटर, है ना, वाटर का यूजेस लिखना है आपको। तो वाटर का यूजेस सबको पता रहता है तो इजी है, क्योंकि सब यूज करते हैं पानी का, है ना। देखिए यहाँ पे टू यूजेस लिखना है, यहाँ पे बहुत सारे यूज पता रहता है आपको कि टू यूजेस ऑफ वाटर आर ड्रिंकिंग, कुकिंग, ना वॉशिंग भी आएगा, बाथिंग भी आएगा, और प्लांट को वाटर करते हैं वो भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं यहाँ पे, राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ वाटर इन योर विलेज और टाउन। पानी का स्रोत लिखना है आपके गांव या शहर में, अलग अलग पानी का स्रोत है उसको लिखना है। सो आंसर इज द डिफरेंट सोर्स ऑफ वाटर इन अवर विलेज आर टाउन्स आर फर्स्ट वेल, सेकेंड ट्यूब वेल्स, थ्री रिवर्स, फोर्थ पॉन्ड्स। वेल मीन्स कुआ होता है, ट्यूब वेल मीन्स होता है आपका बोर, बोर बोलते हैं हम लोग, है ना, हैंडपम्प भी लिख सकते हैं, अभी तो हैंडपम्प नहीं चलता, बंद हो गया है। थ्री है रिवर्स, फोर है पॉन्ड्स मतलब तालाब, रिवर मीन्स नदी। क्वेश्चन थ्री, व्हाट काइंड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर कंटेनर शुड वी हैव? हम किस प्रकार के पानी पीने का कंटेनर रखते हैं, ये रखना चाहिए हमें। सो ड्रिंकिंग वाटर शुड बी स्टोर्ड इन क्लीन बॉटल, साफ सुथरा बॉटल में, और कवर्ड यूटेंसिल, ढकने वाला बर्तन में रखना चाहिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर थ्री से फोर है, समझो, फिर इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, ऑलवेज कीप द ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर को हमेशा कैसे रखना चाहिए, खुला या ढककर, तो यहाँ पे आ जाएगा कवर्ड। सेकेंड, ब्लैंक्स इज सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, तो आपके घर में कहाँ से आता है तालाब का पानी, तो हम लोग नहीं पीते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा टैप, टैप मीन्स नल होता है, टैप इज द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। थ्री, द फार्मर्स वाटर द फार्म थ्रू अ ट्यूब वेल्स, जो किसान है पानी को किसके थ्रू यूज करते हैं, ट्यूब वेल्स मतलब बोर के जरिए यूज करते हैं सिंचाई के लिए, है ना। तो योर क्वेश्चन आंसर इज कंप्लीटेड। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।